हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैंने जो है रमजान में एक वीडियो बनाया था कि सऊदी के जो प्रिंस हैं वो जो है कहे थे कि गरीब और मजदूरों को जो है रमजान में हम ईद के मौके पे जो है 1000 रियाल से लेकर 500 रियाल तक जो है गिफ्ट में देने वाले हैं। तो उस वीडियो में बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया, कुछ गलत कमेंट भी किए कि आप लोग वीडियो खाली फालतू बनाते हो, रमजान भी खत्म हो गया, ईद भी खत्म हो गया और सऊदी के प्रिंस से जो गिफ्ट मिलने वाला था 1000 रियाल से लेकर 500 रियाल वो तो नहीं मिला। तो भाई, मैंने उस वीडियो में ये नहीं कहा था कि खारजी लोगों को मिलेगा, जो नॉन सऊदी हैं उन लोगों को भी मिलेगा। हो सकता है कि जो सऊदी कुछ लोग गरीब हैं जो मजदूरी करते हैं उनको जो है सऊदी प्रिंस जो है दिए होंगे ईद पे। तो ये नहीं कहा था कि आपको ही मिलेगा, गरीब लोग हैं आप लोग चाहे मजदूर हैं आप लोगों को मिलेगा। तो देखो, जिन लोगों को मिला होगा उन लोगों को नसीब, और जिन लोगों को नहीं मिला होगा वो अपने नसीब के आप दोष दे सकते हो। और अपने मेहनत के जो है ना पैसे पे भरोसा करना चाहिए, ना किसी दूसरे के पैसे पे। तो आप हमेशा अच्छे जो है पॉजिटिव चीज़ें जो है सोचिए। अगर सऊदी के प्रिंस अगर आपको गिफ्ट में 1000 रियाल चाहे 500 रियाल नहीं दिए तो उससे क्या हो सकता है। आप सऊदी में रहकर 2 साल 3 साल 10 साल आप रहते हो, अपना पैसे कमाते हो, घर बनाते हो, हर चीज़ करते हो, यहाँ के तो लोग आपको परेशान नहीं करते हैं ना। तो सऊदी लोगों का बहुत आप शुक्र मनाइए कि आप यहाँ पे रहकर अच्छे पैसे कमा लेते हो, अपना फैमिली जो है सेटल कर लेते हो। अपने मुल्क में देखो, अगर आप यूपी से हो और महाराष्ट्र चाहे दिल्ली चले जाओ तो वहाँ के लोग जो है आपको उल्टे सीधे बात करते हैं, बोलते हैं तुम इधर क्यों आए हो, हम इतना दूर से जो है सऊदी में आ जाते हैं अपना देश छोड़ के और यहाँ पे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। तो यार, हमें सऊदी में बहुत कुछ जो है मिलता है, तो हम सऊदी के जो ऊपर कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। समझिए, हम अपना ही देश में रह रहे हैं, अपना देश समझकर आप काम कीजिए और पैसे कमाइए, इससे क्या हो सकता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो अगर आपके पास 1000 रियाल 500 रियाल नहीं मिला तो उससे आप गरीब नहीं हो जाओगे चाहे अमीर नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए, मेरा था काम आप लोगों को बताना, और टाइटल में इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा कि मेरे को 1000 रियाल मिला। आप लोग क्लिक करोगे, वीडियो देखोगे तो आपको एक जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी जो है बात सुनने को मिलेगी, इसीलिए मैंने इस तरीके से टाइटल लिखा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।